नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। अगले एक घंटे तक भारत और बांग्लादेश के बीच पुणे में होने वाले मैच के उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस वर्ल्ड कप की तस्वीर को और पुख्ता करेगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व टेस्ट क्रिकेटर नेशनल सेलेक्टर रहे सैयद सबा करीम हमारे साथ हैं। इसके साथ इनाक्षी हैं, राजवंशी क्रिकेट खेलती थी कर्नाटका के लिए और अब क्रिकेट एडिटर हैं द ब्रिज के लिए। और भारत और बांग्लादेश के बीच वैसे तो कई वजहों से भारत का ही पलड़ा भारी माना जाता है, लेकिन कई वजहों से खासकर इस वनडे में दोनों टीमों के इतिहास को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ गई है। दोनों टीमों के बीच 40 में से 8 मैच बांग्लादेश के नाम रहे, यानी हर 5 में से एक बार बांग्लादेश अपने नाम करने में ज़रूर कामयाब रही ये टीम। ये लेकिन टीम इंडिया जिस फॉर्म में ये वर्ल्ड कप खेल रही है, टूर्नामेंट की दूसरी सभी टीमें इस खिताब के इस प्रबल दावेदार टीम इंडिया को लेकर चौकन्नी हो गई हैं। तो सीधे चलते अपने मेहमानों के पास और सबसे पहली बात, जीत का चौका लगेगा सैयद भाई, या जैसे मैं हम लोग पहले बात कर रहे थे वर्ड ऑफ कॉशन भी ज़रूरी है, बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि भारत को पता है कि बांग्लादेश की टीम किस तरह की है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं उनमें जिनका प्रदर्शन कई बार भारत के विरुद्ध भी अच्छा रह चुका है, उनके पास भी अनुभव है। भारत पूरी तरह से तैयारी करके मैदान में उतरेगा। और कल या आज सुबह विराट कोहली ने एक अच्छी बात कही कि अब ये विश्व कप में कोई भी मैच हो, आप किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते हैं। तो भारत का अप्रोच भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा। उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, फॉर्म में सभी खिलाड़ी हैं, कंडीशंस के उनके बारे में उनको भरी भांति मालूम है। तो अगर आप इस रवैये के साथ मैदान में उतरेंगे, जो अप्रोच अभी तक भारत ने दिखाया है, वो एग्रेशन का, वो आक्रामकता के साथ अगर आप मैदान में उतरेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मैच भी भारत को अपनी झोली में कर लेना चाहिए और वो 4-0 भारत को प्राप्त कर लेना चाहिए, चौका लगेगा। एक जो मैं वर्ड ऑफ कॉशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, कोई कभी भी, जब आप बांग्लादेश से जब भी खेले, वर्ल्ड कप में हम एक बार हारे हैं 2007 में, उसके बाद हम लगातार 3 बार जीते भी हैं, लेकिन जब भी अपसेट हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान का मैच कोई कह नहीं सकता था कि अपसेट करेंगे, हॉलैंड का मैच कोई कह नहीं सकता था कि साउथ अफ्रीका, मतलब ये ऐसी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया ने हराया फॉर्म में और ऑस्ट्रेलिया खराब, लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो बाकी वैसी सभी टीमें हारी हैं जिनको हम खिताब का दावेदार टूर्नामेंट के पहले कह सकते थे। ये जो मुकाबला है, क्योंकि बांग्लादेश कई सारी चीज़ें, जैसे एक स्टैटिस्टिक 2007 का मैंने आपको कहा, यहाँ जो पिच है यहाँ ड्यू फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो कई सारी वजहें हैं जिसकी वजह से जो आप बैलेंस अप्रोच कर रहे हैं, मैं उसको वर्ड ऑफ कॉशन बोल रहा हूँ। नहीं, वो बात तो है, और अब तो ये बहुत ज़्यादा साफ हो गया है अब मिलके, आप कोई भी मैच खेलने जाएं, अगर आपकी एकाग्रता में अगर आपकी कमी आएगी तो फिर आपको हार का मुंह देखना होगा, जो दक्षिण अफ्रीका के सामने हमें देखने को मिला, जो इंग्लैंड के सामने हुआ था। तो उस तरह से भारत को भी पता है कि आप अपने टॉप गेम को आपको लाना होगा। बांग्लादेश के साथ मुकाबला है, इनको भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है, वो भी कई बार मैचेस जीत चुके हैं। हाल ही में इसके पहले जो एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी, मुझे लगता है कि लास्ट दिसंबर में, वहाँ पर बांग्लादेश ने भारत को 2-1 से वो श्रृंखला जीती थी। इसका मतलब यह है कि भारत को पता है कि बांग्लादेश एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके पास भी अच्छी स्पिन बॉलिंग अटैक है, शाकिबुल हसन है, मेहदी हसन मिराज है, उनकी पेस बॉलिंग काफ़ी तगड़ी है, मुस्तफिजुर रहमान है, शरीफुल इस्लाम है, ये दोनों लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है, उसके साथ साथ तस्कीन अहमद है, तो इनकी गेंदबाजी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भारत इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान में रख कर ही, तैयारी करके ही मैदान में उतरेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि भारत के लिए ज़रूरी यह है कि जो एकाग्रता हम लोगों ने अभी तक पहले 3 मैचेस में बरकरार रखी थी, उसी फोकस के साथ भारत को आज का भी मैच खेलना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट स्टैट है कि 4 में से 3 मैच बांग्लादेश ने, जो पिछले 4 में से 3 मैच बांग्लादेश ने जीते हैं, और ये एक, और जैसे आप विराट की बात कर रहे थे, विराट ने एक शाकिब अल हसन के बारे में कहा, क्योंकि वेराइटी है, हाई आर्म भी करते हैं, लूप भी करते हैं और साइड आर्म भी बॉलिंग, मतलब आपके पास वैरायटी है बैट्समैन को चौंकाने के लिए। और जैसे आप कह रहे हैं, जो पुणे की पिच है, पुणे भी हम चलेंगे, लेकिन पुणे की पिच है, वहाँ पे ड्यू फैक्टर नहीं है, हवाएं तेज चलेंगी, एक चक्रवात का भी, साइक्लोन का भी कहा गया, ये फैक्टर भी देखिए, बहुत छोटे छोटे से फैक्टर होते हैं जो कि 10 से 40 ओवर के बीच में, हमारे लिए तो ऑस्ट्रेलिया में पहला 3 ओवर ही डिफिकल्ट हो गया था, तो ये फैक्टर को फैक्टर इन करने के लिए, ताकि हम मैच में बैलेंस अप्रोच के साथ उतरे। ठीक है, रोहित शर्मा ने जैसे पिछले मैच में भी कहा था कि हाँ वो अपना एग्रेसिव मैच खेल रहे हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के लिए वो कहेंगे कि आप थोड़ा सा एक माइंड में कहीं ना कहीं रखें, या आपको लगता है कि नहीं, अब जैसे खेलते, मुझे तो लगता है कि जो बोल्ड अप्रोच के साथ भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाया है, चाहे वो गेंदबाजी में हो या फिर बल्लेबाजी में हो, वही अप्रोच आज के मैच में भी देखने को मिलना चाहिए। कई सारे जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं ना विमल, वो हमारे नियंत्रण में रहते नहीं हैं,
ये ज़रूरी है कि उस पर ध्यान देना, विकेट कंडीशन कैसे हैं, क्या बॉल सीम कर रही है, अगर बॉल सीम कर रही है तो फिर आपको शॉट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, मिडल ओवर्स में आपको किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, अगर बॉल ग्रिप कर रही है, टर्न हो रही है, तो फिर आपके पास क्या क्या शॉट्स हैं जहाँ पर आपको लगाने होंगे। तो इस तरह की बातें हैं वो अनुभव के साथ आपको आ जाती हैं। ये सभी खिलाड़ी जो है इंडियन टीम में उन सबको मालूम है, और जो 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 टॉप ऑर्डर बैटर होता है ना वो पेस को सेट करता है, टॉप ऑर्डर को मालूम हो जाता है बहुत जल्दी कि विकेट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, और उसको देखकर जो अन्य जो बैटर्स हैं वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज उसी प्रकार की रणनीति के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। बांग्लादेश की एक ऐसी टीम है जो बड़े मैचेस जीत चुकी है, बड़े टीमों को हरा चुके हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा इंडिया को। पर इस समय जो फॉर्म दिखाया है भारत ने, जिस तरह के मैच विनर्स हैं भारतीय टीम में, मुझे लगता नहीं है कि ये जो हम लोग बात करते आ रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ या इंग्लैंड के साथ हुआ, वो आज के मैच में मुझे लगता नहीं है कि भारत के साथ होने वाला है। झुकेगा नहीं, चांस सैयद सभा करीम सेलेक्टर भी रहे, और मुझे अंदाजा है कि ये आप जब टीम को बताते हैं या टीम मैनेजमेंट से बात करते हैं तो इसी अप्रोच के साथ बात करते हैं, और खिलाड़ी भी रहे टीम इंडिया के। चलते हैं इनाक्षी आपके पास। इनाक्षी, ये इस पिच का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट हम लोग ऐसे बात करते हैं कि भाई पिछले चार में से, मतलब सात में से चार बार आपने पहले बैटिंग करते हुए जीती, आपको लगता है क्योंकि हवाएं भी चलेंगी और चेज करना इस पिच पे डिफिकल्ट होगा, टॉस पिछले मैचों जैसा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे पुणे में? हाँ, डेफिनेटली ये पिच बैटर्स पैराडाइज बोलते हैं, और एक चीज देखनी होगी कि ये पहला मैच है इस सीजन में जो पुणे में होने वाला है, और वर्ल्ड कप खासकर 1996 के बाद तो हुआ ही नहीं है। तो आज जबकि इंडिया चेस करते हुए ही जीत रही है पिछले तीन मैचेस, बट आज का टॉस आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेगा, और बैटिंग फर्स्ट एक बेटर कॉल रहेगा रोहित शर्मा के लिए। सब भाई बैटिंग फर्स्ट होना चाहिए अगर मौका मिलता है तो। बैटिंग कर सकता है भारत, अगर सेकेंड हाफ में शबनम गिरने के चांस नहीं है तो फिर पहले बल्लेबाजी करना एक शानदार विकल्प होगा। मैं भी यही चाहता हूं अगर भारत बैटिंग करे और ठीक तरह से पूरे के पूरे 50 ओवर भारत यूटिलाइज़ करे, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 350 प्लस का अगर भारत स्कोर खड़ा करेगा तो जो कॉन्फिडेंस है भारतीय बल्लेबाजी में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कई सारे बैटर्स को खेलने का मौका मिलेगा और फिर दबाव बढ़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, तो ये एक शानदार विकल्प है। क्योंकि बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ जो है गेंदबाजी में, अगर हम देखें दो स्पिनर्स हैं उनके पास, उसके साथ साथ मुस्तफिजुर रहमान और शौरफुल इस्लाम, ये चारों बॉलर्स ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिलता है धीमी विकटों पे, क्योंकि उनके पास वेरिएशन बहुत सारे हैं। दोनों जो लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं मुस्तफिजुर और शौरफुल, वो दोनों के पास वो लचकता है रिस्ट में, जो खूब सारे वेरिएशन वो डालते हैं। दोनों स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं इनके, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अगर इस प्रकार के अटैक को खेलने के लिए अगर आप पहले बैटिंग कर लें, अगर विकेट सही हो तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो भारत का मुझे लगता है कि अप्रोच यही होना चाहिए। एक अच्छी बात है कि मैंने बहुत दिनों बाद ड्यूक के, टॉस भी हो गया होगा, नहीं 130 पे होगा वो तो, मैंने बहुत दिनों बाद ड्यूक के लिए शबनम वर्ड सुना, या तो ओस का यूज करते, ओस वर्ड यूज करते थे, आजकल तो लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं ना, तो और उसी अप्रोच के साथ भी रहते हैं। जो बांग्लादेश की अभी तक टीम रही है, और जैसे विंड कंडीशन हम बोल रहे हैं वहाँ पे विंड इफेक्टिव होगा, आपको लगता है कि उनके फास्ट बॉलर्स, खासकर शकीब उल हसन का जो फिटनेस है उसको लेके क्वेश्चन है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आपको लगता है कि उनके फास्ट बॉलर्स को लेके भी जरूर से हमें उसको माइंड में रखना होगा, आपके हिसाब से कॉशस नहीं होना होगा? जरूर विमल, वो तो भारत हमेशा से करता है, वो हर एक टीम करती है। देखिए, हम लोग बात करते हैं हमेशा कि तैयारी आपकी किस तरह की होनी चाहिए, तैयारी क्या होती है, जो वीडियो एनालिस्ट होता है जिसको परफॉर्मेंस एनालिस्ट हम लोग कहते हैं, वो एक चार्ट तैयार करता है हर एक बॉलर का, कि इस बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, इस बॉलर की कमजोरी क्या है, राइट हैंडर के सामने किस लेंथ पे वो बॉलिंग करता है, नई गेंद के साथ उसकी लेंथ क्या होती है, जब बॉल पुरानी हो जाती है तब उसकी लेंथ क्या होती है, मिडिल ओवर्स में अंतिम के ओवर्स में वो किस तरह की गेंदें ज़्यादा डालता है, क्या वो कटर्स का इस्तेमाल करता है, क्या वो धीमी गति की बॉल ज़्यादा डालता है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो बल्लेबाजों के सामने रख दिया जाता है, और वो बल्लेबाज देखते हैं उस प्रकार से वो तैयारी करते हैं। तो ये समझ मैच के पहले ही हो जानी चाहिए हर एक बैटर को, हर एक खिलाड़ी को, गेंदबाजों के साथ भी यही है। अगर आप शकीब उल हसन को बॉलिंग कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, कौन से एरिया में अगर आप बॉल डालेंगे तो आपको विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की तैयारी हर एक टीम करती है, अंत में निर्भर ये करता है कि जो आप तैयारी करके जा रहे हैं उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। यही तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब आपके ऊपर दबाव है, जो आप तैयारी करके आए हैं उस पर आप डटे हुए हैं कि नहीं, आपके प्लान में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं,
तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, वो फैक्टर रहती हैं मैच का रिजल्ट क्या होता है, मैच का रिजल्ट क्या होता है। और इस पर इनाक्षी ने एक बहुत अच्छा 1996 के मैच का जिक्र किया जहाँ पे कीनिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आके और भी दिलचस्प बातें करते हैं। छोटा सा ब्रेक। तो गूगली और वर्ल्ड कप का मुकाबला शुरू होने को है भारत और बांग्लादेश के बीच, और हम अपने मेहमानों से फिर बात करते हैं। इनाक्षी आपके पास आते हैं, अगर टीम इंडिया इस बार अगर टॉस जीतने के बाद आपको लगता है शार्दुल और मोहम्मद शमी को रिप्ले आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है, क्योंकि शमी के पास अब तक वर्ल्ड कप में उनको खाता खोलने का अपना मौका नहीं मिला है। अभी अभी न्यूज भी आया है कि उनको टॉप 12 में सेलेक्ट किया है शमी को, और वो ग्राउंड पे भी दिख रहे हैं, तो काफी चांसेस लग रहे हैं कि आज मोहम्मद शमी को खेलने का एक मौका दिया जाएगा। और खासकर अभी ही टाइम है अगर उनको बाद में शमी को लेके आना है, क्योंकि एंड में वो नहीं ला सकते, तो अगर कुछ स्विच भी करना है, कुछ टीम में चेंज भी करना है, तो आज एक अच्छा मौका है। आज एक्सपेरिमेंटल भी रह सकता है, क्योंकि हो सकता है इंडिया बैटिंग पहले करे टॉस जीत के, और जो ये पिच है, पिच भी दोनों ही टीम के लिए अननोन है, क्योंकि पहली बार एक वर्ल्ड कप मैच यहाँ खेले जाने वाला है, साइक्लोन की भी वार्निंग है। तो शमी का आज कमबैक करना, और शमी ने भी पहले बोला है कि उनको नहीं फर्क पड़ता है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं या नई बॉल से खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। और कल पारस, इंडिया के बॉलिंग कोच पारस ने भी बोला है कि वो कोशिश तो नहीं कर रहे कि कोई रोटेशन हो, बट जैसी टीम में बात हुई है अश्विन शमी से, दे आर ऑल टीम प्लेयर्स एंड दे विल बी ओपन टू एनी एक्सपेरिमेंटेशन, या अगर उनको नहीं भी खेलने मिलता है तो डिपेंड नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट। बिल्कुल, एक तो आपने अहम बात बोली कि टॉस को लेकर। हम चलते हैं पुणे। पुणे हमारे साथ द हिंदू के वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार हैं, लंबे समय से क्रिकेट करते रहे हैं अमोल। और अमोल आप सेट करने की कोशिश करें, अमोल पुणे में क्या खबर है पिच को लेकर और जो हवाएं चलेंगी स्टेडियम को लेकर, टीम चेंज को लेकर? आप काफी समय से पुणे में रहते हैं, पुणे के पिच को जानते हैं। विमल भाई सबादा जिस जमाने में पुणे के पिच पे खेलते थे ना, वैसा ही पिच नए स्टेडियम में एक्सपेक्टेड है। बेल्टर बोलते हैं हम लोग जो, एकदम शुद्ध हिंदी में बेल्टर बोलते हैं, फ्लैट डेक बोलते हैं, वैसा ही पिच एक्सपेक्टेड है। ऊपर से ये स्टेडियम पुराने स्टेडियम जितना ही बड़ा या छोटा आप बोल सकते हो वैसा है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से आई वुड बी सरप्राइज कि अगर इंडिया सोचेगा नहीं। और बहुत बहुत गर्मी है अभी, अक्टूबर हीट जो वेस्टर्न इंडिया में रहता है वो पीक पे है अभी, तो इंडिया अगर ये ना सोचे कि हम लोग बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे और मैच किल कर देंगे, ये इन ऑल लाइकलीहुड स्ट्रेटेजी रहेगी। मैं पिछले कई देर से मैं ट्राई कर रहा था ज्वाइन करने का, तो आई एम नॉट टू श्योर कि शाकिब अल हसन वार्म अप कर रहा है या नहीं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि पास्ट रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इंडिया ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग फेवरेट्स लग रहे हैं। और अमन भाई ये हाई स्कोरिंग मैच होगा ये तो कहा जा सकता है अगर इंडिया ने पहले बैटिंग किया तो, वरना हमने देखा अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैच ही एक्सपेक्टेड था, लेकिन हुआ क्या। बिल्कुल बिल्कुल अमल भाई, आप और क्राउड वहां पे, आप जैसा बता रहे थे इस मैच में तो जरूर क्राउड आएगा बेशक अगले मैचों में, क्योंकि स्टेडियम काफी दूर है, आप बता रहे काफी गर्मी है, स्टैंड नहीं है, तो क्राउड का उस तरह से ख्याल नहीं रखा गया है? क्राउड का ख्याल कहाँ रखा जाता है विमल भाई, इंडिया में फिर भी लोग पागल है क्रिकेट के लिए, इसलिए सह लेते हैं। अभी भी मैं देख रहा था, अभी मैं एक लोकेशन पे गया था जहां से आपको माहौल देख जाए, लेकिन वहां बैंडविड्थ नहीं था, तो अनाउंसमेंट चल रही थी धक्का मुक्की मत करो वरना स्टैम्पीड हो जाएगी, तो वो एक ग्रुप में लोगों को अंदर भेज रहे ताकि जितना हो सके उतना स्ट्रीमलाइन करे। ये क्राउड के लिए ना कवर नहीं है, ये छोड़ के एक बार आप स्टेडियम पे आएंगे ना अंदर, आते वक्त बहुत तकलीफ होती है, पार्किंग का मसला है, पार्किंग लॉट से कम 15 मिनट पैदल आना पड़ता है स्टेडियम में एंटर करने के लिए, वहां से सीट तक पहुंचने में और 10-15 मिनट पैदल चलना पड़ता है, लेकिन एक बार पहुंचने के बाद आपको बेस्ट सीटिंग अवेलेबल है। Wow. मैं बहुत बार स्टैंड में बैठा हूँ, पीठ बिल्कुल रुकती नहीं है, पूरा दिन मैच देखोगे तो ऐसा एक ही स्टेडियम है वो इंडिया में जहाँ पीठ नहीं रुकती, जहाँ से ये तो मैच के हालात मतलब बाहर की बातें हैं, लेकिन अगर इंडिया, जैसे हम लोग केवल बातचीत कर रहे हैं कि इंडिया को क्या क्वेश्चन रहे, लेकिन हम बांग्लादेश की कमजोरी की बात करें तो इंडिया कहाँ पे सेंध लगा सकता है? उनकी बैटिंग,
बहुत बड़ी समस्या रही है बांग्लादेश के लिए। लिटन दास ने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है, उनके लिए बहुत मेन प्लेयर हैं, मेहंदी हसन मिराज को नंबर 3 पर खिला रहे हैं। मुझे एक दो चीज़ें बात समझ में नहीं आती हैं। मुशफिकुर रहीम जिनके पास इतना ज़्यादा अनुभव है वो नंबर 6 पर आ रहे हैं, नंबर 6 पर आ रहे हैं बैटिंग करने, इतने नीचे क्यों? महमूदुल्ला पिछले मैच में नंबर 8 पर आए थे बैटिंग करने के लिए। ये बहुत ही अजीब सी उनकी स्ट्रैटेजी रही है बांग्लादेश की, और ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके पास जो मेन बैटर्स आप ये ले लीजिए, विराट कोहली को नंबर 6 पर खिलाएंगे तो उसकी वैल्यू तो घट जाएगी ना। बिल्कुल, तो कुछ वही हालत यहाँ पर मुशफिकुर रहीम की। ये अलग बात है कि मैं तुलना नहीं करना चाह रहा हूँ, पर आपके जो बेस्ट बैटर्स हैं उनको आप जब तक ज़्यादा मौका नहीं देंगे रन बनाने के लिए, तो फिर आपकी टीम बड़ा स्कोर कहाँ से खड़ा करेगी? एक बड़े जैसा, जो जैसे सैयद सभा भाई सही कह रहा है कि बड़े टीम के जैसा या वर्ल्ड कप जीतने का जो एक होता है एम्बिशन, उस तरह से खेलती हुई नज़र नहीं आ रही है, और इसलिए बहुत ज़्यादा नतीजे भी नहीं, जबकि उनकी टीम बहुत अच्छी है। विराट कोहली शाकिब उल हसन की बहुत तारीफ कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या तारीफ कर रहे हैं, और टीम भी अच्छी है, लेकिन बड़ा अप्रोच जो है, जैसे सैयद सभा करीम भाई बोल रहे हैं कि ऊपर अगर आप अच्छे बल्लेबाजों को नहीं लाएंगे तो खेलेंगे कैसे, और वहीं इंडिया के पास सेंध लगाने का और जीत का चौका लगाने का मौका मिलेगा। हम इस डिस्कशन को भारत बांग्लादेश पे और भी बातें करते रहेंगे, हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, आप मेहमान हमारे साथ बने रहें, एक लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं जल्दी। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका फिर से स्वागत है, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच आधे घंटे में होने वाले टक्कर की। टॉस होने वाला है, टीमों का ऐलान होने वाला है, और हमारे साथ जुड़ गए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बाबा। बाबा, हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे सैयद सभा करीम साहब से कि बांग्लादेश की क्या कम, क्योंकि हम ये तो बात करते हैं कि अपसेट हो सकता है, अफगानिस्तान ने अपसेट किया, हॉलैंड ने अपसेट किया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की, इंडिया भी भारत की, जो भारत की जो टीम मैनेजमेंट है वो बांग्लादेश की टीम कमजोरी पर भी काम करेगा, और उस तहत उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की बैटिंग जो है उनकी एक कमज़ोर कड़ी है। देखिए, बैटिंग कमज़ोर कड़ी है, और ये बात, इस बात से थोड़ा क्यों लेना होगा कि थोड़ा आंकड़े यदि आप देखेंगे तो बांग्लादेश 4 मुकाबले में 3 जो है बांग्लादेश ने देखा, आपसे अब थोड़ी दिनों पहले एशिया कप में हराया हमको बांग्लादेश ने, 6 रनों से हराया था, लेकिन आप उस पर आर्गूमेंट मेरे साथ कर सकते हैं कि वहाँ विराट नहीं, बुमराह नहीं खेल रहे थे, विराट नहीं खेल रहे थे, कुलदीप नहीं खेल रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि इनके बिना हराया, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मुझे बहुत डर लगता है। एक आपको, लेकिन आपको डर थोड़ा सा दूर किए देता हूं कि टॉस के लिए शाकिब अल हसन नहीं गए, क्या पता खेले या ना। नहीं, यदि शाकिब नहीं है तो टीम जो है आधी कर दीजिए फिर तो। और मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ये वही टीम है जिसने आपको एक बार वर्ल्ड कप से बाहर कर चुकी है, गाहे बगाहे आपको हरा देती है। दिक्कत यह है इन छोटी टीमों के साथ, इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, कोई बैगेज है नहीं, आके खुल के यदि खेल गए और यदि उनका दिन हुआ तो फिर मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, हमारे पास दो और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है, तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी है। हमारे साथ गुरशरण सिंह है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और दिनेश चोपड़ा बहुत क्रिकेट जानते हैं और काफ़ी मुझे भी काफ़ी एनलाइटन करते रहते हैं बहुत सारे फैक्ट से, बहुत नंबर से। सबसे पहले गुरशरण सर, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है, लेकिन शाकिब अल हसन टॉस के लिए नहीं गए हैं, भारत के लिए आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अगर साकिब उल हसन नहीं खेल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 30-40% टीम ही है साकिब उल हसन, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी, फिर फील्डिंग, मतलब, और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, और बांग्लादेश को बहुत मैचेस जिताए हैं। अब बांग्लादेश ने टॉस जीत के बैटिंग की है, मुझे तो यही लग रहा था उनका यही चांस है, क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि भारत की टीम काफी सक्षम है, वेल बैलेंस्ड है, चाहे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो अगर यही है कि हमें उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा कि 240-250 के नीचे आउट करना पड़ेगा हमें, और अगर वो ज्यादा रन 300 के आसपास बनाते हैं, जो कि मुझे काफी कम चांस लग रहा है क्योंकि हमारी जैसे बॉलिंग हो रही है, मोहम्मद सिराज, बुमराह, तो और स्पिनर्स में तो कमाल ही कर रहे हैं, कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा, फिर आर अश्विन आई डोंट नो खेल रहे हैं। पाजी, अब ये तय हो गया कि साकिब नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, अब ये तय हो गया कि साकिब प्लेइंग 11 में नहीं है।
बिल्कुल टॉस नहीं करना है तो दैट मीन्स वो नहीं खेल रहे, तो ये अच्छा है, ये हमारी इंडिया की टीम के लिए भी अच्छा है कि वो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल भी रहे होते हो तो मुझे लग रहा है कोई थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है इंडियन टीम। दिनेश दिनेश बाबा बहुत बहुत क्रिकेट पढ़ते हैं, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं। पढ़े लिखे जर्नलिस्ट। तो दिनेश ये बताइए, जो अगर शाकिब नहीं खेल रहे हैं तो ये एक लोड कम है या आपको फिर भी, क्योंकि बांग्लादेश का जो अगर हम 40 मैच की बात करते हैं तो 8 मैच उन्होंने जीता है, हर 5 में से एक मैच अगर वो जीतते हैं, क्या हमें वर्ड ऑफ कॉशन के साथ जाना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जाना चाहिए, या फिर हम जैसे खेल नेचुरल अटैकिंग मोड में जाना चाहिए? देखिए विमल, वर्ड ऑफ कॉशन तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, सब अपना ए गेम लेकर आते हैं, सब अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के साथ आते हैं, और हमने देखा अभी किस तरह से नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने अभी अपसेट करे हैं, सो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जहां तक बात रही कि क्या इंडिया इस टाइम शाकिब के जाने से या शाकिब के रहने से इंडिया प्रेशर में आती, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है जिस तरह का फॉर्म इंडियन टीम इस समय दिखा रही है, शाकिब के होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और करना चाहूंगा कि अगर आप, आई मीन पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक इंडिया का भी वर्ल्ड कप रियल मायने में स्टार्ट नहीं हुआ है। रियल मायने में स्टार्ट होगा जब हम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से मैचेस खेलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया, यस उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अगर आप उनकी लाइनअप देखें, उनका करंट फॉर्म देखें, उस तरह की सक्षम टीम नहीं है। पाकिस्तान अगेन मैन टू मैन, देयर वाज लॉट ऑफ हाइप, बहुत हम लोगों ने इन मीडिया, मैं अब जिस रोल में हूं, हमने देखा कि किस तरह से सबने हाइप अप किया, लेकिन मैन टू मैन पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो इंडिया को मैच कर सकती है। सेम विल गो फॉर बांग्लादेश, यस दे आर एन इंटरनेशनल टीम, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऑपोजिशन की, लेकिन अगर आप मुझसे असल मायने में पूछें तो अगला मैच धर्मशाला में है न्यूजीलैंड के साथ, वहां से इंडिया का वर्ल्ड कप असल मायने में स्टार्ट होगा। लेकिन सबसे बड़े दिनेश, सबसे बड़ी बात है सावधान रहने की जरूरत होगी, जब आप बैटिंग करने आएंगे तो टीमें जो सेकंड बैटिंग कर रही है वहीं आके फंस जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए सावधान रहना, ऑपोजिशन की रिस्पेक्ट करनी, बिल्कुल ये तो किसी भी स्पोर्ट में, आप चाहे नंबर एक की पायदान पर हो, दूसरी टीम नंबर 10 की रैंकिंग पर हो, वो तो आपको करना ही करना है। लेकिन ये अगर हम ये कहें कि अभी जैसे मैं सुन रहा था कि अभी एशिया कप में बांग्लादेश ने हराया, आई थिंक ये कुछ रेलेवेंस नहीं रखता है पर्सनली इफ यू आस्क मी, बिकॉज टीम, जैसे आप लोगों ने भी कहा, बुमराह आ गए हैं, विराट हैं, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर, ऑल दोस थिंग्स दे पुट टुगेदर, मुझे लगता है कि इंडिया एक बहुत ही सुदृढ़ टीम है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन गुरशरण सर एक मुझे जो निजी तौर पे थोड़ी मुझे मायूसी लग रही है कि वो शमी को फिर मौका नहीं मिला है, क्या हम बड़े ही मैच में उनको उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? क्या उनके लिए जगह ही नहीं है? क्या आप कोई बताएगा फिर शार्दुल को रखा है क्या बैटिंग? कोई बताएगा कि शार्दुल क्यों है इस टीम में? नहीं देखिए, शार्दुल ने भी काफी मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे एवरेज वो 6-6 का जो रन रेट है, जो 6 के हिसाब से रन देते हैं, लेकिन वो विकेट्स भी लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ विकेट लिया था सर, मुझे याद है, लेकिन लेकिन बाकी उसके बाद नहीं देखा मैंने। नहीं, गुरशरण सर ये कहना चाह रहा कि अगर आपको बड़ा मैच खिलाना, जैसे कह रहे दिनेश की बड़ा मैच आपका तब शुरू होगा जब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका से आप खेलेंगे, तो शमी को क्या आप उन मैचेस में डायरेक्ट उतारेंगे? नहीं नहीं, मैं विमल, मुझे ये लग रहा है कि अपनी बेस्ट 11 ही खिलानी चाहिए हमेशा। इस टाइम जो बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, देन दोनों स्पिनर्स आर अश्विन ऑल्सो, तो जब तक ये अच्छा कर रहे हैं इनको खेलते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ज्यादा। मोहम्मद शमी ठीक है, वो 15 में है, बड़ी अच्छी बात है कि वो 15 में है, सभी पे थोड़ा सा प्रेशर है कि हमें विकेट निकालनी पड़ेगी, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो बाहर, मोहम्मद शमी है, तो दैट इज ये अच्छा पॉइंट है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो टीम में है तो उनको जबरदस्ती अभी खिलाना चाहिए। जी दिनेश कुछ कहना चाहते हैं? जी दिनेश, मैं एक्चुअली गुश सर से एक सवाल पूछना चाह रहा था। गुश सर, मैं खुद सोच रहा था कि शायद भारतीय टीम मैनेजमेंट शमी को मौका दें, क्या आपको नहीं लगता कि एक गेंदबाज जो कि इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि उसको थोड़ा गेम टाइम देके उसको थोड़ा रवा रखें, कि वो कोई बड़ा मैच आए, गॉड फॉरबिड कोई इंजरी आए,
तब ऐसा ना हो कि शमी को एकदम से लेकर आ रहे हैं हम पांचवें मैच में या छठे मैच में। तो आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा मौका था भारत के लिए कि शायद तो थोड़ा गेम टाइम शमी को दे सकते थे? दिनेश, मुझे लगता है कि देखिए बांग्लादेश टीम नो डाउट कि अभी थोड़ी सी कमजोर लग रही है क्योंकि अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अपसेट भी किए हैं पहले। तो वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है देखिए नीदरलैंड ने जीता, अफगानिस्तान ने हराया, तो वर्ल्ड कप में हर टीमें तैयारी करके आती हैं। और मोहम्मद शमी ऑब्वियसली नेट्स में बॉल डाल रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो रेडी हैं और जब भी मौका मिलेगा, वो इतने एक्सपीरियंस है, इतना हुनर है उनके पास, मतलब बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं। मुझे वैसे दिनेश के बात से मैं एग्री भी करता हूँ कि एक आधा मैच बीच में देना चाहिए, लेकिन जो मोहम्मद सिराज इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, एक मैच में उसको नहीं खिलाएंगे या बुमराह को रेस्ट देंगे तो उनकी भी लय खराब होगी ना, उनको भी मैच में एक रेस्ट मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस मैच की बात कर लेते हैं गुरुशरण सर, इस मैच की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पिच है नॉर्मली मतलब कह रहे हैं कि चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ड्यू नहीं होगी यहाँ पे, विंड हवाएं तेज चल रही हैं, साइक्लोन की भी खबर है। आपको लगता है कि टीम इंडिया का जो बैटिंग फॉर्म है वो इन सब चीजों को के लिए अभी मतलब इस बैटिंग फॉर्म के सामने कोई भी चीज बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है? नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि कोई भी टारगेट ये अचीव कर सकते हैं, बट ये क्रिकेट है, क्रिकेट में एनीथिंग इज पॉसिबल। 50 ओवर्स में मैं फिर बार बार मानता हूँ कि कोई भी टीम अच्छा जो उस दिन खेलेगी और कंडीशंस के हिसाब से, अब पिच पता नहीं कैसा बिहेव करती है, बांग्लादेश ने टॉस जीत के बैटिंग की है तो दैट मींस ये पिच कोई बाद में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, तो जो उनके हिसाब से उन्होंने यही सोचा कि ये परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये वो है कि इसमें थोड़ा शायद स्पिनर्स को भी हेल्प मिल सकती है थोड़ी बहुत, बट मतलब डिसीजन मुझे बांग्लादेश का ठीक ही लग रहा है कि उन्होंने जो बैटिंग। दिनेश आप क्या कहना चाहेंगे क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि ये वही जगह है जिस हाईवे पे रोहित शर्मा जो है स्पीडिंग नहीं, लेकिन वो खबर जो भी हो वो खबर लेकिन पक्की नहीं, वो लेकिन सीट बेल्ट बांध के रखने की जरूरत है, मैं मैच में सीट बेल्ट बांध के रखने की जरूरत है, हवा में उड़ना नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल उड़ना नहीं है सर, वर्ल्ड कप है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फॉर्म बिल्कुल अच्छा है भारत का, लेकिन जैसे कि अभी गोश सर ने भी कहा कि ऑपोजिशन को कभी आप लाइटली नहीं ले सकते, खासकर जैसे हमने अभी कहा कि अभी दो अपसेट हमने देखे रीसेंट मैचेस में, तो देर इज नो वे कि हम लोग इसको लाइटली ले। हाँ थोड़ा कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता था कि शार्दुल कमिंग एट नंबर 8 या आपके पास 7 बैट्समैन है फिर नंबर 8 पे फिर आपको शार्दुल भी चाहिए, वो थोड़ा अटपटा है, बट देन दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गेम की सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सबका अपना अपना एक धारणा है, तो बट फिर भी हमें तो टीम मैनेजमेंट के साथ ही अब चलना पड़ेगा। चलिए समी का भी इंतजार लंबा हो रहा है और अश्विन का भी बिल्कुल, अगर इसको क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, अगर आप बांग्लादेश को कितना टारगेट देते हुए देखते हैं, पहले गुरशरण सर फिर दिनेश ये क्लोजिंग हमारा होगा, कितना टारगेट आप देखते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ईज रहेगा अगर 300 सवा 300? आई थिंक 240-250 तक, 50 से नीचे रोक लेते हैं तो मतलब टारगेट ठीक रहेगा, अगर उसके ऊपर होगा तो 70-80 तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा मुझे लग रहा है। ये दिनेश क्या टफ हो सकता है इंडिया के लिए, कितना टारगेट? यार विमल ये तो प्योर तुक्का मरवा रहे हो आप मेरे से, प्योर तो मेरे भाई मेरे को लगता है इंडिया, मतलब मैं तो बहुत बुलिश हूँ इंडिया को लेके, तो मुझे लगता है इंडिया कैन चेस डाउन एनी टारगेट, 270, 280, 300 मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम जो इस करंट फॉर्म में और नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं, मुझे लगता है एनी टारगेट इज पॉसिबल फॉर द इंडियन टीम। वैसे चेज करना होगा तो वहां तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए, मतलब 8 नंबर तक फिर तो हार्दिक का ही नंबर नहीं आया ठीक से बिल्कुल अभी तक हमारे 9 विकेट मतलब 10 विकेट भी पूरे ओवरऑल 3-4 मैचेस में नहीं गिरे।